बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम आप देख रहे हैं 7 से 8 सना हाशमी के साथ। मुझे उम्मीद है कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक नज़म के कुछ अशार हैं कि बहुत दिनों की बात है, फिज़ा को याद भी नहीं, ये बात आज की नहीं बहुत दिनों की बात है। सो MQM के रिवाइवल की जब हम बात करते हैं या इस जमात के सियासी सफ़र की जब हम बात करते हैं तो इसके बड़े उतार चढ़ाव हैं। जो लोग कराची शहर में रहते हैं उन्होंने इस MQM पाकिस्तान को तो नहीं लेकिन बहरहाल पुरानी MQM को बनते हुए भी देखा, फिर बिगड़ते हुए भी देखा, फिर टूटते हुए भी देखा और फिर सिमटते हुए भी देखा है। अब MQM पाकिस्तान जिस ज़ाहिर रास्ते पर चल रही है उसमें इंतखाबात इसका पहला पड़ाव है। 2018 में भी बहराली पड़ाव आया था लेकिन उसके हालात और वाकयात कुछ और थे। आज की MQM पाकिस्तान के लोगों से जब आप बात करते हैं तो वो ये कहते हैं कि इस शहर की सीटों को हमसे छीना गया था, RTS बिठा दिया गया था लेकिन अब शायद हालात बदल गए हैं। बाग़ी जिना के अभी हालिया जलसे के बाद MQM में एक और मरतबा तवानाई हम देख रहे हैं कि शायद आई है और इस तवानाई के जरिए वो कराची के तूलो अर्ज में हमें फैलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन एक और शख्सियत जिनसे ज़ाहिर जब वो मुल्क में नहीं थे तभी मेरा राबता था, ऑन कॉल हम बात करते थे, बड़ी रहनुमाई भी मैं बस चीज़ों पर लेती थी इनसे और बड़ी जैसे मैं कहती हूँ दबंग शख्सियत हैं और पाकिस्तान की मीडिया इंडस्ट्री को उससे बात करने का ढंग सलीका और ख़ुद MQM पाकिस्तान की जो इलेक्शंस की जितनी भी मुहिम है मेरा ख्याल है इस पर सबसे गहरी जो नज़र है वो सैयद अब्बास हैदर रिज़वी साहब की है। हैदर अब्बास रिज़वी साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्लाह का शुक्र है, बहुत खुशी है मुझे कि आप स्टूडियो तशरीफ़ लेकर आए हैं और ये मेरे लिए बायस शर्फ भी है कि आप खुद से आए। मच ऑनर्ड, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारे सवाल आते हैं बिस्मिल्लाह, बहुत सारों के जवाब आप देते हुए आ रहे हैं, ठीक है, और शायद आप वही जवाब मुझे भी दें। लेकिन ये जो कराची की सियासत में किसका सिक्का है ये सवाल पैदा ही नहीं होता था क्योंकि सिक्का एक ही का था, ठीक है। अब वो सिक्का तो कहीं गायब वायब हो गया, बहरहाल अब हालात मुख्तलिफ होते जा रहे हैं आपके। ये बताइए कि इंतखाबी अमल में जिस मंशूर के साथ आप उतरे हैं ये आपका साबका मंशूर भी रहा, इस दफ़ा तब्दीली आपकी सियासी जमात में आवाम को देने के लिए क्या है? देखिए असल में MQM वो वाहिद सियासी जमात है जो 2008 से लेकर आज 2024 तक अपने एक ही मंशूर पर खड़ी है। सियासी जमातें अपने मंशूर तब्दील करती हैं बगैर ये सोचे समझे कि जो पिछला मंशूर दिया था उस पर कितना अमल दरामद कर लिया। मिसाल के तौर पे कोई एक नुक्ता रख लेते हैं कि हम मान लीजिए कि जैसे 1 करोड़ घर बनाएंगे, एक नारा था जी जी जी, अब अगर अगले इंतखाबात में वो नारा तब्दील होकर कुछ और हो गया कि 1 लाख नौकरियां देंगे, ठीक हो गया, तो उससे पूछा ये जाना चाहिए क्या 1 करोड़ घर बन गए? हाँ। अगर नहीं बने तो फिर आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू को या अपने मंशूर को तब्दील कैसे कर रहे हैं? पहले उसको कंप्लीट कर लीजिए फिर उसके बाद किसी अगले नुक्ते पर जाइएगा। डेवोल्यूशन MQM का ख्वाब है, फ्रॉम फेडरेशन टू प्रोविंस टू डिस्ट्रिक्ट्स टू UC लेवल टू अ कॉमन मैन, बिल्कुल ठीक बात है, एक फेडरेशन से लेकर वफाक से लेकर आम आदमी, बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो पहले मरहले में जब हमने ये जद्दोजहद शुरू की और प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात की और मैं ही था वो कि जिसने पार्लियामेंट में ये बिल पेश किया, उसकी बुनियाद पर एक कमेटी बनी, कमेटी से 18वीं तरमीम पास हुई, 18वीं तरमीम से इख्तियारात डिवॉल्व हुए सूबे को, दुरुस्त हो गया, और NFC से सूबे को आ गए। मगर बड़ी बदकिस्मती ये रही कि पहले तो हम एक ही वफाक को रोते थे कि वो कंट्रोल करता है और नीचे डेवोल्यूशन नहीं करता, अब ये हुआ कि मुल्क में 4 वफाक मजीद बन गए, यानी जो दारुल खिलाफे थे सूबाई दारुल खिलाफे वो एक वफाक बन गए और वो उस वसाइल पर सांप बन के बैठ गए जो के नीचे अवाम तक जाने थे 18वीं तरमीम के जरिए। 18वीं तरमीम वफाक से सिर्फ सूबों तक के लिए नहीं थी, उसके नीचे भी जाहिर नीचे आम आदमी तक जाने के लिए थी, ठीक हो गया। मगर आसमान से गिरे वसाइल और खजूर में अटक गए। तो अब कैसे मंशूर को चेंज किया जा सकता था उसूली और मंतकी तौर पर जब तक ये इख्तियार अवाम तक नहीं जा रहे? तो हमें स्टिक अच्छा करना पड़ा उसी एक बात पर कि अब हम सूबे से वसाइल लेंगे और अवाम तक पहुंचाएंगे।
तो वो उस डेवोल्यूशन के पॉइंट पर गो के हमें बहुत वक्त लग गया। अब जाहिर है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, सिंध की सियासी सूरत हाल, MQM की अपनी सियासी सूरत हाल, मुश्किलात रही, मगर हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तब्दील नहीं हुआ। बहुत अच्छा नुकता है, लेकिन हैदर भाई इधर ही रुक जाइएगा। जब आपने 18वीं आईनी तरमीम का तस्करा किया तो आप उस वक्त जाहिर पार्लियामान का हिस्सा थे, और जो जाहिर अब MQM का सारा जो इत्तेहाद हुआ है इसमें हम देख रहे हैं मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब उनकी अपनी दीगर जमात थी तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर फारूक सत्तार और हैदर अब्बास रिजवी सिग्नेटरी हैं इस 18वीं तरमीम के, ठीक है, तो इन्होंने सारे पावर्स खुद ले जाके झोली में डाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो अब ये किस बात का रोना रोते, यानी उस वक्त भी ये बात क्लेम हो रही थी, अब आप ये बात कह रहे हैं कि नहीं हमने हम आसमान से गिरे और खजूर में अटक गए। अब वसाइल ठीक हो गया ना, अब जिस तरमीम का तकाजा आप कर रहे हैं कि इसकी बुनियाद पर ही बात आगे बढ़ेगी, इस पे आपको क्या श्योरिटी है कि ये चीजें हो जाएंगी, क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशंस तो आप हमेशा तय करते हैं लेकिन हर दफा आपके फेवर में नहीं होती हैं वो। देखिए इसमें बड़ी वाजे बात यह है कि हमें यहां तक तो कामयाबी हुई थी अपने डेवोल्यूशन प्लान के लिए कि हम वफाक से सूबे तक लेकर आ गए थे। अच्छा ठीक हो गया, ये तो कामयाबी हो गई थी, ठीक हो गया। सिर्फ सिंध में ही वसाइल नहीं आए थे, पंजाब में भी आए, बलोचिस्तान में भी आए, खैबर पख्तूनख्वा में भी आए, तमाम सूबों को इसका फायदा हुआ था। मगर सूबों को चाहिए यह था उसूली बुनियाद पर कि जिस तरह उन तक वसाइल पहुंचे हैं वो आगे डिस्ट्रिक्ट को, डिस्ट्रिक्ट से यूसी को, यूसी से आम आदमी तक जाते। बदनसीबी ये कि हमारा जो माइंडसेट है, जो फ्यूडल माइंडसेट है कि बस जो आ गया उसको होल्ड करके रखना है, मतलब इवन ब्यूरोक्रेसी तक फाइल आगे नहीं बढ़ाती जब तक 7 बार अपना दफ्तर ना दिखा दे, ये एक माइंडसेट है हमारा अनफॉर्चुनेटली। तो अब जद्दोजहद का एक नया बाब खुला, अच्छा, कि हम सूबे से लेकर वसाइल नीचे दें। और जो तरामीम है वो आर्टिकल 140A के तहत ही हैं, अच्छा, कोई नई अच्छा, तरामीम नहीं है वो। ओके। आर्टिकल 140A को जब गुलजार साहब जाते हुए आखिरी दिन उसके ऊपर फैसला देकर गए थे, उसी फैसले को सामने रखकर जो गुलजार साहब ने फरमाया था अपने फैसले में, उसी को कॉन्स्टिट्यूशनली अमेंड करने की कोशिश कर रही है MQM। कोई नया ऐसा एक आध नुकता नया होगा उसमें, वरना सारे नुकात नए नहीं, वो डेवोल्यूशन की बात है। ठीक हो गया, चले इसमें मैं वापस आती हूँ, लेकिन हैदर भाई देखे कहते हैं ना माजी इंसान का उस वो देखता रहता है, झांकता रहता है। आप मुस्तकबिल में खड़े भी हो जाएं तो आप अपने माजी से पीछा नहीं छुड़ा सकते। हमने कराची की सियासत मैंने कहा कि देखी है और आप लोगों की सियासत भी देखी है। अब इसमें एक जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है ना वो है मुहाजिर फैक्टर, आप माने या नहीं माने। खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने हालिया अभी एक इंटरव्यू में कह रहे थे कि मुहाजिर ICU में पड़ा हुआ है, उसको जनरल वार्ड में लाना है। अब जिस महाजिर के मुख्तलिफ कॉलोनीज का मैंने सर्वे किया है इस इंतखाबी अमल के दौरान, वो महाजिर ये कहने पर मजबूर है कि हम दे देंगे वोट भाई, लेकिन हमें पता है कि इनके इख्तियार में कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर पाएंगे। तो ये जो आपका मिस्ट्रस्ट तो मैं नहीं कहूंगी, लेकिन उनको पता है कि आपके अंदर अब वो मसल्स ही नहीं है कि आप अपनी बात को मनवा सकें, ये कितना आपके लिए अलार्मिंग सिचुएशन है बींग इन अ पार्टी। देखिए मैं इसमें आपको बड़ी वजाहत से एक बार बताऊं कि जो गुज़िश्ता बरसों में एक जनरल सूरत हाल रही है पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल, दुरुस्त हो गया, उसमें सब लोगों का, अवाम का एक अदम एतमाद है उन तमाम जमातों पर जो इलेक्शन में हिस्सा लेती रही हैं। मिसाल के तौर पर पिछले 4 बरसों में एक ये PDM के 16 महीने से पहले इमरान खान साहब की हुकूमत थी, PTI की हुकूमत थी, तकरीबन 4 बरस उनकी हुकूमत रही, ठीक हो गया, उन्होंने क्या डिलीवर कर दिया, क्या ऐसा था डिलीवरेंस के लिए उनके पास कि जिसके बारे में कहें कि कोई बहुत बड़ा इनकलाब आ गया हो पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में और अवाम को बहुत कुछ मिल गया, कुछ भी नहीं हुआ। तो ये एक अवाम की उमूमी शिकायत है पाकिस्तान के सियासी निज़ाम और पाकिस्तान की सियासी जमात। अब क्योंकि कराची में लोग बिला मुबालगा, एक तारीख है कि लोग MQM को वोट करते हैं, वहाँ पर MQM के साथ जो जो तारीख में होता रहा वो आवाम को उसका बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा है, जो गलतियाँ MQM से हुई और जो एक
बदतरीन हालात MQM ने देखे उसकी बुनियाद पर लोगों का शिकवा बिल्कुल अपनी जगह बजा है कि उनका MQM नहीं बल्कि बिलउमूम सियासी निजाम से एक एतबार जो है वो कम हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन ये जो सियासी दस्बरदारियां हैं वो नामों से भी हो रही हैं, फिर कॉन्स्टिट्यूएंसी से भी हो रही हैं। NA 230 का आपने कहा कि हमने वहाँ से कैंडिडेट ही नहीं खड़ा किया, ये बड़ी बात हुई। ज़रा वो पिक्चर लगा दें अगर PCR वाले मुझे देख रहे हैं तो। वो उसमें हमने देखा कि औरंगजेब फारूकी साहब के साथ कोई शख्सियत बैठी हुई है, पिक्चर लगाएंगे, ये देखिएगा हैदर भाई जी, ये जी, कौन जी। है और इनके, क्योंकि पतंग का निशान भी है तो उसमें ये कहा गया कि शायद औरंगजेब फारूकी साहब के साथ सामने आपके। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको बड़ी वजाहत के साथ MQM का इसके ऊपर एक बयान भी आ गया था बड़ी क्लैरिटी के साथ, जिसमें हमने दो बातें अवाम को बताई थी उस बयान में। एक पॉलिसी स्टेटमेंट था, अच्छा, कि MQM मसलकी हमाहंगी पर मुकम्मल यकीन रखती है, एक। दूसरा उसके साथ दूसरा जुमला था कि हम किसी भी शिद्दत पसंदी के सख्त मुखालिफ हैं। दुरुस्त है। अब जहां तक रह गई NA 230 की बात, तो चार नशिस्तें ऐसी हैं कि जिसमें MQM ने कराची में कैंडिडेट फील्ड नहीं किया। ओके। 22 नशिस्तें कराची की हैं जिसमें चार नशिस्तों पर GDA के साथ हमारा अलायंस है, अलायंस हुआ, उनके साथ सीट एडजस्टमेंट हुआ। सीट एडजस्टमेंट में खास तौर पर कराची के जो आउटस्कर्ट्स हैं, जो कराची के मजाफाती इलाके हैं, वहाँ की नशिस्तों पर हमने अपने इत्तहादियों को ये गुंजाइश दी कि वो इंतखाबात में, क्योंकि वहाँ पर हमारा बहुत क्लियर कट मैंडेट नहीं था। और जहाँ हम ये समझते थे कि हमारा मैंडेट है, वहाँ पर शहबाज शरीफ साहब ने कागजात नामजदगी जमा किए, हमने उनसे दरख्वास्त की कि देखिए ये मुस्तफा कमाल के वोट थे जब वो PSP थे, ये MQM के वोट थे वहां पर, इन दोनों को मिला लें तो हमारी मेजॉरिटी बनती है, बजाय इसके कि जो आपके पड़े वोट। तो उन्होंने इस बात को रियलाइज किया। ये शख्सियत क्या है, वैसे ही मुलाकात के लिए गए थे औरंगजेब फारूकी साहब से? नहीं, ये एक साहब थे, अगर आप उस तरफ देखें तो एक सफेद पगड़ी में जो साहब, जी जी बिल्कुल है, बिल्कुल है, ये तशरीफ लाए थे हमारे ऑफिस। अच्छा, ये जनरल कैंडिडेट थे। अच्छा, ठीक है, कि आप हमें सपोर्ट कर दें क्योंकि आपने तो कोई कैंडिडेट ही नहीं दिया। अच्छा, तो हमने इनके लिए कोई तय नहीं किया था उस वक्त तक कि ये कौन है क्या है। जाहिर है क्योंकि लोग रابطे करते हैं सियासी जमात से, बिल्कुल जाहिर सी बात है भाई, आप हमें, अगर आपका कैंडिडेट नहीं, आप हमें सपोर्ट करें। अभी हम इनको इवैल्यूएट ही कर रहे थे और यहाँ हमारी जो टीम थी, जो हमारे वहां के उस इलाके के कारकुनान हैं, वो वहां उनके घर या उनके डेरे पर जाकर उनसे मुलाकात ही कर रहे थे। अच्छा, कि वहां पर कुछ और लोग भी आ गए। अच्छा, ओके, अनइनवाइटेड, जो हमारे लोगों को पता अच्छा। नहीं था। अब वो आकर बैठ गए और उन्होंने वहां पर बातचीत करनी शुरू कर दी। हमारे कारकुनान को अंदाजा ही नहीं था कि ये कौन लोग हैं और क्या लोग हैं। अच्छा, अच्छा, और जो सेंसिटिविटी इनकी है शायद इन डेप्थ, उसको बहुत ज्यादा लोग नहीं जानते हैं। और खास अच्छा, ये भी एक मुलाकात हुई है, कहा जा रहा है ये राबता कमेटी के रुकन भी हैं हैदर साहब वहाँ, खालिद सुल्तान साहब, ये भी मुलाकात वैसे ही हुई है। मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि कैंडिडेट एक दूल्हा की तरह होता है, सारे हार पहनाने पहुंचे होते हैं। नहीं बेटे, इनको सलाम करो, अस्सलाम वालेकुम बेटे, ये मामू हैं लड़की के, आदाब, फला कौन है, उसको गरीब को कुछ पता ही नहीं होता। एक भीड़ होती है अच्छा, चले, जो लेकर चल रही होती है। चले, ओके, अभी इस बात से आगे। हमारी प्रिस्क्राइब्ड पॉलिसी ये है कि हम मसलकी इत्तहाद पर यकीन रखते हैं और शिद्दत पसंदी के सख्त खिलाफ हैं, तो कोई एम्बिग्यूटी होनी नहीं चाहिए। बिल्कुल ठीक है, एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक से जरा वापस आकर, जाहिर है ये बहुत तवातुर से सवाल हो रहा है और सवाल का जवाब भी मांगा जा रहा है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जिन मसल्स के साथ पंजाब में एंट्री दे रही है, कभी इम्कान कहा जा रहा है कि शायद सिंध में भी वो उसी अंदाज से अपनी सीट्स को जो है वो सस्टेन करेगी। इस सूरत हाल में MQM पाकिस्तान की पॉलिसी क्या होगी, क्योंकि जो इत्तेहाद ये पहले से कर बैठे हैं मुस्लिम लीग नवाज के साथ, इसका इनको डेंट पहुंचने वाला है या नुकसान है या फायदा, इसका जवाब लेते हैं इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन, हम ब्रेक पर थे और मेरे साथ मौजूद हैं सैयद हैदर अब्बास रिज़वी साहब, और हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि एमक्यूएम इस वक्त जो इंतखाबी अमल शुरू हुआ है इसमें किस तरह से ड्राइव कर रही है पूरी कैंपेन को। हैदर अब्बास रिज़वी साहब, सर दस्त तो ज़ाहिर हमने देखा, मुलाकातें हुई, बातें हुई, फिर उसमें वादे हुए, तबसरे भी हुए, उस पर तज़िया भी हो गए कि कहाँ मुस्लिम लीग नवाज़ और कहाँ एमक्यूएम, और ये लोग चले इत्तेहाद बनाने के लिए। अच्छा, खुलासा ये हुआ कि आपने कह दिया भाई हम देखेंगे, हमारी ये तीन आइनी तरमीम है ये पूरी कर दें, अल्लाह खैर सल्ला। लेकिन अब सवाल ये है कि ये आइनी तरमीम तो वज़ीर आज़म बनने के बाद पूरी हो, मतलब वज़ीर आज़म जब बन जाएगा यकीनन उसके बाद ही ये सिलसिला शुरू होगा ना, उससे पहले आपको वोट देना होगा वज़ीर आज़म बनाने के लिए। हाँ, ठीक है। तो ये जो मेकैनिज़म है बीच का जिसमें आपको ये तय करना होगा कि आप आइनी तरमीम करेंगे, हम आपको वज़ीर आज़म बना देते हैं, ये कैसे टैकल करेंगे और इस बात की अश्योरेंस क्या होगी, ये मेरी क्यूरियोसिटी है। चले नहीं नहीं देखें, क्योंकि हमारी सियासत में हैदर भाई हमने सुना आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा कि मुहिदे कोई सहीफे या कुरानी सहीफे थोड़ी हैं कि हम इस पर चलना शुरू हो जाएं, तो यहाँ पे तो सियासत ऐसे चलती है। बिल्कुल ऐसे ही है कि ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट पहलू है कि लोग वादे करते हैं और फिर उन वादों का पास नहीं रखते, बड़ी एक बदनसीब सूरत हाल है, ये बड़ी बदकिस्मती है हमारी। मगर आपको कहीं ना कहीं एतबार करना होता है। अगर कोई कॉन्क्रीट ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि हम कोई बैंक नहीं है कि कोलेटरल रख लें कि आपने वादा किया अच्छा लाइए 5 करोड़ रुपए रखवा दीजिए, ठीक हो गया, और जब आप वादा पूरा कर देंगे तो 5 करोड़ आपको वापस कर देंगे, ठीक हो गया। जब अगर कोई वोट देता है वज़ीर आज़म के लिए तो फिर अगर कोई धोखा हो तो फिर इंतजार कर ले। अब तो पाकिस्तान में इन हाउस चेंज का भी एक फैशन चल पड़ा। अच्छा, तो ये मुतवक्के हो सकता है? नहीं मुतवक्के नहीं, मुख्तलिफ जो सियासी सूरत हाल होती है उसमें वैसे पोस्चर लिया जाएगा। तो अगर कोई धोखा देता है जैसा कि पिछली बार हुआ, तो आपने देखा कि उन्हीं के 25 लोग उनके खिलाफ खड़े थे। अच्छा, लेकिन सिंध की डायनामिक्स जो हैं हैदर साहब वो बहुत मुख्तलिफ हैं, फिर कराची की तो बिल्कुल ही मुख्तलिफ है ना। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, अभी मेरे प्रोग्राम में रजा हारून भाई थे पिछले दिनों प्रोग्राम में, और आपको पता है उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। तो उससे पहले जो थे मेरे प्रोग्राम में इजहारुल हक साहब थे, तो मैंने जी इजहारुल हसन साहब, तो मैंने उनसे कहा कि कैसा लगेगा कि रजा हारून डिफेंड कर रहे हो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को और आप डिफेंड करें एमकेएम को। तो उन्होंने कहा कि अगर रजा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डिफेंड करेंगे तो उसके जवाब में मैं सिर्फ खामोश रहूँगा, यही मेरा जवाब है। तो अब मेरा आपसे क्या सवाल है, देखिए रजा साहब से जब मैंने बात की तो रजा हारून साहब ने मुझे कहा कि आप मुझे बताएं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वसाइल में पूरी है तो हम क्यों नहीं उसको सपोर्ट करें। वो एक ऐसी सियासी जमात जिसके पास वसाइल नहीं है, इख्तियारात नहीं है, और वो अभी तक कुछ नहीं कर सकी अपने पिछले 30-35 साल के अदवार में, तो मैं वहाँ पे रह के क्या करूँगा, क्यों नहीं अच्छा कि मैं आसिफ अली जरदारी से आपको मजबूत करूँ। इस बारे में आपका क्या ख्याल है, क्यों नहीं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इत्तेहाद बनते आप, क्यों उधर इतनी दूर पंजाब में मुस्लिम लीग नवाज का? रजा भाई बहुत करीबी और अजीज दोस्त हैं मेरे, मुझे अंदाजा है, और जाहिर है कि हमारे 30-30 साल एक ही प्लेट में खाते हुए एक टेबल पर खाते हुए गुजरे, जलसों में तंबू भी साथ लग रहे थे, लाइटें भी खड़े होकर खुद लगाते होते कोई थे, एक दूसरे से बाप मारे का बैर थोड़ी था, सही बात, जबर था, हालात थे, शिराजा बिखरा, फिर शिराजा बंदी भी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, मुत्तहद हो गए। रजा भाई कुछ वजूहात से जो है वो लंदन जाकर रहने लगे, जाहिर है उनकी फैमिली वहाँ, उनके बच्चे वहाँ, उनके बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जिस पर मैं हमेशा ताज्जुब काबले सताइश रहे मेरे लिए। अच्छा? मगर ये फैसला उनका मेरी समझ में नहीं आया, बिल्कुल सच में बिल्कुल नहीं आया। ओके। अच्छा, जब ये खबर ब्रेक हुई तो अच्छा मुझे तो यकीन ही नहीं था ना इस बात का, कैसा हो भी सकता है। मैंने फोन उठाया, रजा भाई को फोन मिलाया, मैंने कहा आप कराची में और जरदारी साहब कराची में, मैंने कहा मैंने कुछ खबर सुनी है आपके नाम से, तो कह रहे हाँ वो ब्रेक हो गई होगी। मैंने कहा रजा भाई आप वही कह रहे हैं जो मैं समझ रहा हूँ, तो हाँ मैं वही कह रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है, अब मेरे पास कोई जाहिर है कि जवाब बाकी नहीं रह जाता, ठीक है आगे बात क्या, लड़ता मैं उनसे, बहस करता, तीर कमान से निकल चुका था, बात जबान से निकल चुकी थी,
तो मैं खामोश हो गया। लेकिन डिसीजन इन सेंस ऑफ दैट कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्योंकि सिंध में अपने मसल्स रखती है वसाइल के हवाले से, अभी मैं पिछले दिनों आपको सुन रही थी, आपने कहा मुर्तजा वहाब इज़ वेरी गुड बॉय और वो अच्छा डिलीवर कर सकते हैं अपनी ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कैपेसिटी में भी, एक अच्छा मेयर मिल गया है कराची को और हम उसको स्ट्रेंथनाइज करने की बात कर रहे हैं, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या ये कहने की अकबर जानब नहीं होगी कि भाई देखिए सूबे को तो हम चलाते रहे हैं जैसा तैसा, अच्छा बुरा गलत सही कम ज़्यादा, लेकिन बहरहाल पावर हमारे पास है, सो वाई यू नॉट people support them। वाजिया जी से जो मुर्तजा की मरहुमा वालदा हैं पार्लियामेंट में मेरे साथ, मैं उनको कुलीग तो नहीं कहता, वो मेरी बड़ी बहन थी और उन्होंने मेरा बड़ा ख्याल रखा है और उन्होंने रात को दो दो बजे उठ के सोते से उठ के मेरे लिए खाने बनाए और मुझे खिलाए जब मैं भूखा होता था। उसी नस्बत से मैं मुर्तजा को भी जानता हूँ, मैं जानता हूँ कि ही इज़ अ गुड बॉय, अच्छा लड़का है और जो MQM ने तरमीम पेश की हैं अगर वो मंजूर हो जाती हैं तो उसका पहला बेनिफिशियरी मुर्तजा होगा। ठीक हो गया, पहला बेनिफिशियरी अगर मेयर ताकतवर हो जाता है पाकिस्तान के हर शहर का, तो मुर्तजा तो कराची का मेयर है, MQM का तो मेयर ही नहीं है, मुर्तजा बेनिफिशियरी होगा। लेकिन पीपल्स मगर पीपल्स पार्टी इस डेवोल्यूशन के बारे में एक लफ्ज नहीं कह सकी है अभी, वो चाहते ही नहीं है कि कोई चीज, हालांकि मेयर कराची में भी उनका, हैदराबाद में भी उनका, पूरे सिंध में उनके मेयर, मगर फ्यूडल अपना इख्तियार किसी के सामने रख दे ये कैसे मुमकिन है, तारीख ही नहीं है पाकिस्तान की। यानी एक खुशा वेलकम स्टेटमेंट ही आ जाता है कि नहीं नहीं अच्छी बड़ी अच्छी बात की है, हम इस पर बात कर सकते और हम इस पर बात कर सकते हैं, हम इस पर गौर कर सकते हैं, आगे बात चल सकती है, यानी एक वेलकमिंग स्टेटमेंट। मैं मुर्तजा की मुश्किलात को समझता हूं यहां पर, लिहाजा मुझे तवक्को है कि मुर्तजा की तरफ से तो जाहिर है कोई बयान नहीं आना चाहिए और अगर आ भी गया तो जाहिर है वो पार्टी पॉलिसी से डिफेक्ट करेगा और जाहिर है कि वो हमारी हर्फ तसल्ली भी नहीं होगा हमारे लिए। ठीक हो गया, अगर टॉप लीडरशिप से बात होती हाँ तो फिर वहां से ज़्यादा कम्युनिकेशन उसी लेवल पर होती। अपने कार्ड्स खोलकर टेबल पर रखे थे कि भाई ये हमारी आईनी तरमीम है, जो सपोर्ट करेगा हम उसको सपोर्ट करेंगे। पहले जो MQM थी उसको सिर्फ एक ही दर्द सर था और वो थी जमात इस्लामी, कभी भी ऐसा नहीं रहा। नहीं हैदर साहब ये तो आप मान, इरिटेंट होना एक अलग बात, मतलब है अगर हम कहते इंपैडमेंट होना एक अलग, दो अखबार में दो अलग खबरें शाया होती थी दो अलग तरीके से, यानी उम्मत अलग छाप रहा है, अमन अलग छाप रहा है, बाकी सारे लोग अलग, एक ही तंजीम की यानी आपकी तंजीम की। अब आपके पास JI के अलावा TLP भी कराची में एज अ अच्छा वोट बैंक मौजूद है, वो क्लैश वाली सिचुएशन नहीं थी। बहरहाल एक बाई इलेक्शन में हमने देखा कि TLP और PSP के माबेन एक हुआ भी था क्लैश। सर्वेस की बात कर लेती हूँ, लेकिन TLP आपको लगता है कि एक बड़ा फैक्टर बनकर उभरी है कराची शहर में, और JI की जो पॉकेट्स हैं वो तो सो हैं अपनी जगह पे इंटैक्ट है, लेकिन TLP से भी कोई आपको लगता है कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम? देखिए बात यह है कि वैक्यूम दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता, कर ही नहीं सकता। सही बात है, कोई ना कोई, कोई ना कोई उसको फिल करेगा। बिल्कुल दुरुस्त बात है। तो जब MQM का शिराजा बिखरा था और एक वक्त आया था MQM के ऊपर और जो मुश्किलात MQM ने झेली, जाहिर है उसमें MQM की जो इलाकों में असर व रसूख था, असर व नुफूज था, वो कम हुआ। जब कम हुआ तो जाहिर है उस वैक्यूम को फिल होना था, कुछ होना था, कुछ किया जाना था, तो कुछ हुआ कुछ किया गया। अब जब वो हुआ और किया गया के दरमियान के फ़र्क में वापस MQM उस गैप को या उस वैक्यूम को फिल करने की अपने इत्तेहाद और अक्सरियत से वापस ताकत में आ रही है, तो वो एलिमेंट्स जो फिलर्स के तौर पर इस्तेमाल हुए थे अब वो जाहिर है कि वो वापस सिमटेंगे। चले अच्छी बात कह दी है, मैं जरा एक ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक से वापस आके आपके कुछ और दोस्तों की याद ताज़ा करते हैं, वो भी कहीं मौजूद तो हैं लेकिन नजर नहीं आ रहे। लेकिन आम इंतखाबात में जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं, क्लेम कर रहे हैं, वो कह रहे हैं 22 में से मैं कम अज़ कम आपको बता दूँ कि 20 से 18 सीटें यहाँ से कराची की हमारी हैं। ये कहीं से उनको जिसे कहते हैं ना अश्योरेंस दे दी गई है या उनको लगता है कि कराची में अब MQM के पैर पक्के हो गए हैं, वही पुराने वाले। इस ब्रेक के बाद
वेलकम बैक नाज़रीन, वक्त कम रह गया है। हैदर अब्बास रिज़वी साहब आज मेरे मेहमान हैं। कुछ हमने एमक्यूएम की अभी तक की जो इंतखाबी सूरत हाल है और सियासत है उस पर बात की है, लेकिन ज़ाहिर है अभी मैंने रज़ा हारून साहब का तस्करा किया, हैदर अब्बास रिज़वी साहब, फिर आपके और भी दोस्त है जिस मेरे ख्याल है आमिर खान साहब आपके बड़ी करीबी दोस्तों में, जैसे आप रज़ा साहब के लिए कह रहे थे, वो एमक्यूएम का हिस्सा नहीं है इस वक्त। अगर बात करें आजकल एक्टिव नहीं है, आजकल हाँ ये सही लफ्ज़ है, एक्टिव नहीं है। अच्छा, इसी तरह वसीम अख्तर साहब भी नहीं है, आजकल एक्टिव नहीं है, तो इनको डीएक्टिव किया हुआ है या एक्टिवेशन के लिए कोई पॉलिसी है? मिडिल क्लासियों का ये बड़ा प्रॉब्लम होता है कि अच्छी टर्मिनोलॉजी है, हमारी माशी मजबूरियां भी हमारे सामने होती हैं। अच्छा, और आमिर भाई की माशी मजबूरी है? बहुत सारे लोगों की होती है, मेरी माशी मजबूरी रही, एक तवील अरसे रही, कुछ फोकस करना पड़े, अपनी जिंदगी को वापस गैदर करना पड़ा। हम कोई फ्यूडल लॉर्ड्स थोड़ी हैं कि हमारे पास अरबों खरबों यहाँ हों, अरबों खरबों बाहर हों। अच्छा, वैसे ही पूछ रही हूँ, एमकेएम के अंदर कुछ लोगों की आपस में रिफ्ट है, इसलिए ये दोनों अशखास ने कहा कि अभी तो हमें छोड़ ही दें आप, बाद में। देखिए, मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ ना कि कुछ लोगों के माशी मजबूरियां भी आड़े आती हैं। ठीक है, ये वाला कुछ चीजें भी आड़े आती हैं। अच्छा। और वो चीजें ऊपर नीचे हो जाती हैं और बाद में रीएडजस्ट भी हो जाती हैं। जो आज का बहुत फासले में चीजें नजर आती हैं, कल वो सिमट कर एक जगह हो जाती हैं। पहले कौन सोच सकता था कि पीएसपी, एमक्यूएम, फारूक सत्तार सब एक जगह होंगे, मगर अवामी दबाव बढ़ता गया बढ़ता गया। मतलब जिस शादी में जाओ सब जगह यही हुआ, जिस मरने में जाओ, पहले तो फातिहा पढ़ ली, उसके बाद बट हैदर भाई वो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि आप लोग साथ हो जाएं। ये वो तो आपने कह दिया, अवामी प्रेशर था और मैं मानती हूँ इस बात का। अच्छा, उसमें एक और प्रेशर भी था, वो महाजर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद साहब का, वो वाला भी नहीं हो सका मेरा ख्याल है। वो उसके कुछ चांसेस हैं आपको लगता है? देखिए, जितना बेहतर हो कि सब एक साथ ही होकर एक सम का तायुन होकर एक साथ चले, तो एक आइडियल सिचुएशन है। ओके, बदनसीबी एक आइडियल कभी कभी एग्जिस्ट नहीं भी करते, मगर होना ऐसा ही चाहिए, होना ऐसा ही चाहिए। अच्छा, ये भी एक सवाल मेरा नहीं है लेकिन अवामी सवाल है और लोगों ने इस पर तबसर आपका भी मैंने सुना और दीगर लोगों का भी, कि एमकेएम में जाहिर जो मर्जर हुआ, ज़ाहिर मुस्तफ़ा कमाल साहब अपना एक उनका तरीका है, गुफ्तगू है, उनका अंदाज़ है, फिर अंदाज़ निज़ामत भी हमने उनका देखा है इस शहर में, तो लोग ये कह रहे हैं कि एमकेएम में जो गलबा है वो मुस्तफ़ा कमाल का है, बाकी सारी जो अशखास हैं वो बस सुनते हैं कि हाँ भाई ठीक है, थोड़ा बहुत रजिस्ट कर लेते हैं, लेकिन जो बात चलती है वो पीएसपी के सरबरा, साबिक सरबरा मुस्तफ़ा कमाल साहब की और सीनियर डिप्टी कन्वीनर की चलती है, विच इज़ मुस्तफ़ा कमाल साहब। मेरे ख्याल से मुस्तफ़ा की जो मीडिया अपीयरेंस है वो दीगर लोगों से ज़्यादा है। अच्छा, रही है। हाँ ठीक है, अब तो पिछले एक हफ्ते से तो मैं हर चैनल पर जा रहा हूँ। हाँ, तो अब अगर यही फार्मूला है गेज करने का, हाँ, कि मीडिया अपीयरेंस ज्यादा है और नजर ज्यादा आ रहे हैं, नहीं ये वाली नहीं, वो जो इंतखाबी टिकटों वगैरह के मैंने सुना था, मुझे नहीं पता नहीं, कि अगर उसमें कोई तल्ख कलामी हुई कि ज्यादा पीएसपी के हिमायत याफ्ता लोगों को मिल गए। देखिए, एक आध दो कैंडिडेट्स जो करीने कयास हों, अब मिसाल के तौर पर कोई इसी दुखड़े को लेकर खड़ा हो जाता कि हैदर भाई को तो टिकट दिया ही नहीं। अब सबकी कुछ ना कुछ मजबूरियां होती हैं, कोई ना कोई टेक्निकल रीजंस होते हैं, बहुत अच्छा, सारे लोगों को आप चाहते हैं कि आप कैंडिडेट हो जाएं, मगर उनके कागजात में कुछ कजी रह जाती है। हो गया, बिल्कुल दुरुस्त। तो जब वो नहीं मंजरे आम पर आते एज ए कैंडिडेट, लोगों के ध्यानों में सवाल उभरने शुरू हो गए, सना हाशमी को टिकट नहीं मिला, अब हम क्या कहें कि सना हाशमी ने बिजली का बिल ही पे नहीं किया था 20,000 रुपए। बहुत अच्छा, वैसे आपने बताया सना हाशमी बिल पे नहीं कर पा रही है क्योंकि बहुत आ रहे हैं बिजली के बिल। अच्छा, मैं जरा तेजी से चलना चाह रही हूँ हैदर साहब, हैदराबाद भाई, एमकेएम जो है ना उसकी मकबूलियत में ना माजी में कमी थी ना हाल में, और मेरा नहीं ख्याल है कि मुस्तकबिल में भी होगी। मैं ये बात बबांगे दोहल मुख्तलिफ अपने प्रोग्राम्स में माजी में कहती आई हूँ कि वाहिद सियासी जमात है जो मीडिया कैंपेन पे एक रुपया खर्च नहीं करती, और हर शख्स चाहता है कि एमकेएम का बंदा आके उसके स्टूडियो में बैठे और उसके सरबरा से भी बात हो और उसके बाकी अकाबरीन से भी गुफ्तगू हो। लेकिन ये जो मकबूलियत है, इसने जब इसका डाउनफॉल आया और मामला आए, तो अब एमकेएम में मकबूलियत के बजाय कबूलियत जो है वो ढूंढना शुरू हो गई, यानी एमकेएम खुद कबूलियत ढूंढना शुरू हो गई कि हमें कबूल करो, हमें कबूल करो। तो ये जो सफ़र है आपका, इसमें कबूलियत कहाँ तक पहुँची है आपकी? क्योंकि मैं ये सीट्स की तरफ बात कर रही हूँ जो मुस्तफ़ा कमाल साहब कह रहे हैं कि हम 22 नशिस्तों में से 18 नहीं तो 20 मेरी सीट्स हैं, 20 नहीं तो 18 मेरी सीट्स हैं। आपने अपने इंट्रो में बड़ा खूबसूरत इंट्रो था आपका, आपने एमक्यूएम की सियासी तारीख के मद्दो जजर बयान किए थे, जितना दबाव,
जितना कड़ा वक्त, जितनी मुश्किलात MQM ने देखी हैं, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी जमात ने मुसलसल इतनी ना देखी हों। मकबूलियत MQM की कल भी थी, आज भी है, इंशाल्लाह आइंदा भी रहेगी। सवाल उस वक्त उठे कि जब MQM का शिराजा बखेरा गया ना और MQM फ्रैक्चर्ड हो गई जी। मगर एक बात सना आपसे कहूं कि पानी पर जब तलवार मारी जाती है, पानी हटता है, कटता नहीं है। सही हो गया। जैसे ही वो फोर्स वापस होती है, पानी अपनी जगह आके मिल जाता है। और इसका सबूत आज से 6 दिन पहले हमने बागे जिना में वाज़े तौर पर अवाम को, अपने नाकदीन को, अपने उन तमाम लोगों को जो हमसे शाकी थे इस बात पर कि हम एक जगह नहीं हैं, मुत्तहिद नहीं हैं, हमारी अक्सरियत नहीं है, हमारी ताकत नहीं है, हमारा मसल नहीं है, हमारी वो पावर नहीं है, हम कुछ नहीं कर सकते, हमने सबको जवाब एक साथ दे दिया। ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह इसको हम ट्रांसलेट करेंगे इस अपने इत्तेहाद और अक्सरियत को, इंशाल्लाह इन बैलेट। ठीक हो गया। हैदराबाद सिद्दीकी साहब, इलेक्शन की साइंस मैं कहती हूँ कि आपसे सीखी जाए और आप जैसे और बहुत सारी शख्सियात हैं जो इलेक्शन की जो असली साइंस होती है वो आप लोग जानते हैं। इलेक्शन में एक चीज़ बहुत बड़ा एलिमेंट होती है, यानी 8 फरवरी को मेरे मुँह में खाक, लेकिन क्लैशेज होते हैं, मुँहमारी भी हो जाती है, बात ख़राब भी हो जाती है, बहुत सारे मसाइल होते हैं। ये जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन हैंडलिंग है, उसके लिए आप लोगों का अभी क्या प्लानिंग चल रही है? बिकॉज मैंने कहा कि हो सकता है कोई नाखुशगवार वाकया, अल्लाह ना करे, कोई पेश आए, बट हाउ यू पीपल मेक दैट स्ट्रैटेजी ऑन ग्राउंड कि अगर कुछ होता है तो हाउ यू रिएक्ट ऑन दैट? देखिए, पहली तो MQM की जो पॉलिसी है इस बारे में, जब हम अपने कैंडिडेट्स फील्ड करते हैं, उन कैंडिडेट्स के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को, क्योंकि जाहिर है कि हमारे यहाँ कैंडिडेट तो पैसा खर्च करता नहीं है। मैं जब कैंडिडेट बना था MQM से 2 बार, तो मेरे तो 4,000 रुपये एक बार और 4,000 रुपये एक बार खर्च हुए। 8,000 में 2 बार है मैंने बना। फैसल अभी वो बना सेनेटर जी, फैसल की जो फीस थी, कोर्ट फी, वो MQM ने जमा की। तो जो सपोर्ट आती है वो ऑर्गेनाइजेशन से सपोर्ट आती है और आवाम से सपोर्ट आती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन के वो हेड्स के जो कैंडिडेट्स के साथ काम कर रहे होते हैं, उनको बड़ी वाज़े इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि आपको किसी ऐसे तनाज़े में नहीं फंसना जो पार्टी पॉलिसी के ऊपर या अमन व अमान की सूरत हाल पर रिफ्लेक्ट करें। अगर कहीं आइसोलेशन में एक आध दो वाक़यात बिल्कुल ग्राउंड लेवल के ऊपर होते भी हैं, तो उसको मजीद आगे बढ़ने से रोकना भी वहीं पर ग्राउंड की ऑर्गेनाइजेशन के हेड्स की बुनियादी जिम्मेदारी होती है। ये पहले से डिफाइंड होता है और उनको बताया गया होता है कि इलेक्शन कमीशन के रूल्स इस बारे में क्या कहते हैं। और क्योंकि इलेक्शन वन डे गेम है, अगर खुदा न खास्ता उस हवाले से कोई बात हुई और वहां पर कोई मसला हुआ, तो वो रिजल्ट के ऊपर रिफ्लेक्ट करता है। ओके, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन जाते जाते सिर्फ आपसे सुनना चाहूंगी कि 22 में से कितनी नशिस्तों पर MQM अपनी पतंग खूब चढ़ा देगी, ऐसी कि कोई काट ना पाए। देखिए, मैं अब आपको बड़ा कैंडिडली बता रहा हूँ, हमने 18 नशिस्तों को बड़ा सोच समझ के फोकस किया था, ठीक है, और 4 नशिस्तों को जाने दिया था अपने GDA के दोस्तों के लिए ना। ठीक हो गया। हमारी पूरी एफर्ट्स 18 नशिस्तों पर रहेंगी। ओके। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अगर 18 में से 2 फॉर सम रीजन अगर हम नहीं भी ले पाते, अच्छा, तो हमारा टारगेट 16 का है इंशाल्लाह, कि हम 16 को बहुत ही ज्यादा जो माइक्रो लेवल तक फोकस कर रहे हैं। अब देखिए, अल्लाह ताला से दुआ है कि हमारा मैक्सिमम रिजल्ट हो। ठीक हो गया। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद हैदर अब्बास रिजी साहब, अपने अपने कीमती वक्त दिया। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान अपने इंतखाबी कैंपेन में आपको कराची शहर के हवाले से तो मैं कह सकती हूँ गली मोहल्लों में दिखाई दे रही होगी, लेकिन इंतखाबी अमल में जहाँ जहाँ लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो रही है, जिनको नहीं मिली है, शायद उनका शिकवा भी अपनी जगह हक बजानब है। आज के प्रोग्राम को आपने देखा, MQM अपनी इंतखाबी कैंपेन के हवाले से जो चीज़ें कह रही है वो क्या है वो तो आप देख रहे हैं, लेकिन इनके रिजल्ट्स में क्या चीज़ें रिफ्लेक्ट होंगी ये देखना बाकी है, और इसका लिए हमें इंतज़ार करना होगा 8 फरवरी का। आज के प्रोग्राम से सना हाशमी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।